सो आज डेविल गैंग बनने वाली है SMP की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट गैंग। और अभी आप ये सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पागल SMP में मैंने अपनी एक खुद की गैंग बनाई जो कि है डेविल गैंग। उसके अंदर जो कि स्केली भाई और आर्यन भाई है, और आज हमारी जो टीम है वो बनने वाली SMP की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट टीम। सो वीडियो में मुझे ना मजा आने वाला है, अगर आप बने हैं तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। सो जैसे कि आपने पागल SMP के लिए लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि मैंने जो कि यश भाई को कर दिया था SMP से बैन, और हमारा जो बेस था वो रिवील हो चुका था और ये किया था यश भाई ने। फिर जो कि आयरन भाई ने एक नया बेस बनाया था और वहाँ के मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे। फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ और आयरन भाई और मैं सोचते कि हमें गिलिच इस्तेमाल कर चुकी है बैन करने की गिलिच। लाइक मैं अगर आयरन भाई को एक हट पर मारता हूँ तो उनका जो सामान है वो डुप्लीकेट हो जाएगा जो जो उनकी इन्वेंट्री में होगा। तो फिर आर्यन भाई और मैं ये वाली ग्लिच ट्राई करते हैं और आप देख ही लो कि वो वर्क करती है या फिर नहीं। सो अभी आर्यन भाई मैं आपको मारने वाला हूँ, आप अपना जो आर्मर है उसको उतार लो। ओके सो मैं आपको मारने जा रहा हूँ। ओके आप मुझे अपने हर्ट दे दो जितने भी हर्ट है और फिर देखते हैं ग्लिच वर्क करती है या नहीं। और सर्वर भी हाँ रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके लाओ हर्ट दे दो, लेट्स गो। ओके कितने हर्ट है? ओके 14 हर्ट है, लेट्स गो। अभी आर्यन भाई आपको मैं हिट मारने जा रहा हूँ। आर्यन भाई SMP से बैन हो गए। चलो सर्वर रीस्टार्ट करके देखते हैं वर्क करती है या फिर नहीं। सो गाइस ये वाली ग्लिच तो बिल्कुल भी वर्क नहीं की यार, आर्यन भाई उल्टा बैन भी हो गए। लेकिन गाइस सर्वर रीस्टार्ट करने से वो अनबैन भी हो गए और अभी जो क्या एक हट का में मुनाफा हो चुका है। फिर जो क्या आर्यन भाई नेदर में जाता है नेदर माइनिंग करने, और उसके बाद जो कि मुझे 16 एंशिएंट डेब्रिस ला के देता है ताकि मैं अपने आर्मर को नेदराइट आर्मर में कवर कर लूँ। लेट्स गो गाइज, मैं फाइनली कवरमेंट डेवरेज हो चुका हूँ। कवरमेंट डेवरेज होने के बाद आर्यन भाई और मैं सोचते हैं अब हमें लगने वाली XP की बहुत ज़्यादा जरूरत। तो फिर हम ढूंढते हैं रीप्ले की मदद से एक स्पाइडर स्पॉनर, और आर्यन भाई जो कि बनाते हैं स्पाइडर स्पॉनर XP फार्म। और सो फिर मैं जो कि अपने आर्मर को एक एक करके इंचेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो अभी तो जो कि मैं काफ़ी सारी XP कलेक्ट कर रहा हूँ और मेरा लैग जो हो रहा है वो नेक्स्ट लेवल हो रहा है लिटरली, क्योंकि मैं 16.5 से खेल रहा हूँ अभी 2 GB रैम मोबाइल के अंदर। और देखते हैं कब तक XP इकट्ठा हो पाती है। सो XP फार्म में काफ़ी देर AFK होने के बाद फाइनली मुझे जो कि 30 XP हो जाती है, और फिर मैं जो कि स्टार्ट कर देता हूँ अपने आर्मर को इंचेंट करना। सो चलो चेस्ट प्लेट पे ट्राई करते हैं मुझे क्या दे रहा है। ओके मुझे Pro 3 दे रहा है, चलो ले लेते हैं काम आएगा। और मेरा जो चेस्ट प्लेट है वो तो इंचेंट हो चुका है, और मैंने जो आर्यन भाई को अपना चेस्ट प्लेट और बूट्स दे दिए, और देख सकते हो भाई फाइनली चेस्ट प्लेट तो हो ही गया। सो यब गाइस मैं फाइनली अपने आर्मर को ठीक ठाक इंचेंट कर लेता हूँ। उसके बाद जो कि आर्यन भाई मुझे एक और छोटा सा गिफ्ट देते हैं भाई, वो पूरे मैक्स हो चुके हैं और उन्होंने जो कि मुझे एक और अच्छा सा गिफ्ट दे दिया है। ओके तो आर्यन भाई बताओ क्या गिफ्ट है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है। ओके भाई 5 नेदरराइट इंगट, लेट्स गो। एमरल्ड के ब्लॉक्स, ओके मुझे पता है आपने कहाँ से लिया, आपने सारी स्ट्रिंग्स को बेक दिया है, आप स्कैमर हो। वैसे मैं बेचने वाला था उसको, बात अलग है। सो बाय द वे थैंक यू आर्यन भाई। सो चलो अब करते हैं अपने आर्मर को फाइनली फुल नेदरराइट में, और टूल्स भी कर लेंगे। ओके चेस्ट प्लेट हो गई, बूट्स भी हो गए, और सॉर्ड को भी कर लेते हैं, लेट्स गो। और इसको भी कर लेते हैं अपनी एक्स को, और मेरी फॉर्चून 3 की पिकेक्स जो कि आर्यन भाई ने मुझे दी है। और चलो आर्मर को जो है सूट अप कर लेते हैं फटाफट से। ओके और अब जो गाइस तुम्हारा भाई फुल्ली स्टैक्ड हो चुका है, बस मेंडिंग और चाहिए मुझे। सो गाइस इतना सब हो जाने के बाद आर्यन भाई ने फाइनली एक मेंडिंग का विलेज बना लेता, और मुझे जो गाइस 14 एमरल्ड में एक मेंडिंग बुक दे रहा था। तो फिर जो कि मैंने एमरल्ड ग्लिच करना स्टार्ट कर दिया वो आप देख लो। सो अभी गाइस मैंने देखो एमरल्ड ग्लिच का सिस्टम बना लेता, अभी बताता हूं ये वर्क कैसे करेगा, आप भी कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कूदना और ये जो गाइस डुप्लीकेट हो जाएंगे, कूदो। ओके देख सकते हो यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो चुके हैं, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे पहले इसको ऐसे करते हैं, ऐसे क्राउच होते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ। यहाँ पे देखो फिर से ब्रो डुप्लीकेट होगा, ये नेक्स्ट लेवल ग्लिच है। सो ये वाले ग्लिच यूज करते करते मेरे पास हो चुके थे मैक्सिमम 50+ एमरल्ड्स, और मैंने मेंडिंग की बुक्स खरीद ली थी, आर्मर पे भी लगा ली, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की, मेरा फोन फट रहा था लिटरली। और अगर आपको पागल SMP ज्वाइन करनी तो एप्लीकेशन बना लो। सो मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।